जीएसटी के लागू होने से पहले अलग अलग किस्म के व्यापारियों को डर लग रहा है कि सरकारी कमी के कारण उनके बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। सूरत, अमृतसर, लुधियाना और दिल्ली में गारमेंट्स के थोक व्यापारियों ने 2 दिन से बाजार बंद किया हुआ है और वो हड़ताल पर हैं। दिल्ली में रमन ममगाई ने उनसे बात की। इस वक्त मैं गांधीनगर की एक छोटी सी कपड़ा की दुकान पे हूँ और इन छोटी छोटी दुकानों को ही मिलाकर एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर बन जाता है। मंगलवार को यहाँ बंद बुलाया गया। जहाँ करोड़ों का व्यापार एक दिन में होता हो, वहाँ व्यापारी अपना नुकसान सहकर बंद बुला रहे हैं। वजह ये थी जीएसटी को लेकर, 5% का जो टैक्स है वो कपड़े पर लगेगा। मेरे साथ HY हसन साहब हैं जो कि प्रधान है गांधीनगर मार्केट के। सर, आपको लगता है कि फ़ायदेमंद नहीं है? देखिए, GST कहीं से लेकर फ़ायदेमंद नहीं रहा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका विरोध किया है और आज वो ही इसके पक्ष में वो कर रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, UP की गवर्नमेंट थी, तो समय से प्रमुख विरोधी जो BJP रही है, आज BJP ही GST लगा रही है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो GST है उसके लगने के बाद आप जो फालतू के टैक्स हैं उन सबसे बच जाएंगे, तो क्या ये सही नहीं है? या फिर आपकी शिकायत है कि 5% कपड़े पे ही क्यों लगा? देखिए, फालतू के टैक्स कैसे आप मान सकते हो? आप 3% लगा रहे हो सोने के बिस्कुट पे और 18% लगा रहे हो खाने के बिस्कुट पे। कौन सा फालतू का टैक्स है? सोने पे लगना चाहिए था 18% या खाने के बिस्कुट पे लगना चाहिए था 3%? ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। आज कपड़े पे उन्होंने 5% लगा दिया, आज़ादी से लेकर अब तक आज तक कपड़े पे नहीं लगा है टैक्स। आज गवर्नमेंट कपड़े पे टैक्स लगा रही है, तो सीधी सीधी ताना चाहिए। कितना फर्क पड़ेगा इससे? फर्क आप पूरे हिंदुस्तान ने बंद की कॉल की थी और बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। पूरी दिल्ली की सारी मार्केट बंद रही है, गांधीनगर मार्केट पूर्ण रूप से बंद रही है और रेडीमेड गारमेंट्स पे इतना इसका असर पड़ेगा, आर्थिक मंदी का वो दौर आएगा जो हमने नोटबंदी के बाद में देखा था। ये दूसरी तरह की गारमेंट्स की व्यापार की बंदी है, अगर हम इसे कहेंगे तो भी ये व्यापार की बंदी है। तो गांधीनगर मार्केट, जहाँ से देश के कई राज्यों में कपड़ा जाता है और जहाँ से कई राज्यों से लोग रोजगार के लिए आते हैं, तो इसका असर क्या होगा जब GST पे लोग टैक्स देना शुरू करेंगे? उसके बाद ही पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी गांधीनगर के कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। विपिन के साथ रमन अमगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।